ये चकोर का डिस्गाइज है, तो भेस बदल कर इस पार्टी में आई है, दिवाली की पार्टी चल रही है, तो कुछ बहुत मेजर ड्रामा होने वाला है जो मैं नहीं बताऊंगी, तो आप लोग देखेंगे क्या होने वाला है। बहुत मेजर है और बहुत बड़े ट्विस्ट से रिलेटेड है, तो इसमें ऐसे कोई काम नहीं हो सकता जिसमें चकोर बीच में अपनी टांग ना अड़ाए और वो सुपर हीरो बनने की कोशिश ना करे। तो आज मैंने सुपर गर्ल बनने की कोशिश की है और मैं ये वेस्टर्न ड्रेस पहनकर वेस्टर्न गाने पे डांस कर रही हूँ। लेकिन ये सुपर हीरोइन जो है ये बड़े नकाब उकाब में भी है, मतलब ढका हुआ है और सूरज भी सामने आ गए, लेकिन वो क्या हुआ है, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सूरज से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। तो वही मेरी कोशिश जारी है थ्रू द डांस जो आप लोग देखेंगे। ये कोशिश क्यों है ये भी मैं नहीं बताऊंगी, पर आप समझ जाइए कमल नारायण सूरज और चकोर जहाँ हो वहाँ ड्रामा तो होना ही है। ओके, आउटफिट के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। ये आउटफिट ब्लू कलर का ड्रेस है, वेस्टर्न ड्रेस जो मुझे पहली बार दिया है इन लोगों ने वेस्टर्न इस शो में, तो सब लोग बहुत ऐसे हो गए थे। और हमने ये ग्लव्स पहने हैं और ये जो व्हील पहनी है ये नकाब है मेरा, ऑल दो आप सब मुझे पहचान जाएंगे कि इस व्हील में मैं हूँ, पर यहाँ कोई नहीं पहचानेगा कि इस व्हील में मैं हूँ, इसलिए व्हील पहनी मैंने ताकि कोई मुझे पहचाने। मीरा कितना एंजॉय कर रही है पूरी जगह, कुछ अलग मिला है? टू बी ऑनेस्ट मैं ये दो दिन से पहना हुआ है मैंने, तो मैं इतना कुछ ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रही, बट ये कितना इन्जॉय कर रहे आप इनसे जाने? ये बताओ सूरज। सूरज को दारू मिल गई है, उसकी फेवरेट, उसे स्वर्ग आनंद का एहसास हो रहा है, ऊपर से अप्सरा भी नीचे आ गई है, सो ही इज एंजॉयिंग। हां ऐसा ही कह रही है, बहुत अच्छा डांस कर रही है, सब कुछ तो कहते हैं डायलॉग, बहुत अच्छा डांस कर रही है। कैसा लगा आपको इनका ये लुक और ये अचानक से, मतलब ये घर कहीं कुछ भी कन्वर्ट हो जाता है, कभी शादियां होती रहती कभी बंदूकें चलती रहती, पर आज दिवाली की सेलिब्रेशन हो रही है और आज चकोर एक नए रूप में, बिल्कुल डिफरेंट रूप में, जो व्यूअर्स ने नहीं देखा होगा, एकदम बोलते ना देसी में मल गई इंग्लिश मेम, वो वाली बात है। शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड शी इज डांसिंग आल्सो वेल, सो व्यूअर्स लुक फॉरवर्ड टू इट। और ये वजह क्या थी जिसकी वजह से ये डांस करे, ये हम थोड़ी बताएंगे, मतलब बोलना था ना, बोल देते तो नहीं, ये भी स्मार्ट है, मैं भी स्मार्ट हूँ, नहीं बताते कि सीन में क्या ड्रामा है, वो अभी आप जो कैप्चर करोगे उसमें आपको मिल जाएगा, तो ऑडियंस जान लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।